फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। स्ट्रक्चर यानी लार्ज स्केल फीचर्स जो हमें बहुत बड़े क्षेत्र में जो भी हमें संरचनाएं देखने को मिलती है सेडिमेंट्री रॉक्स में, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर द सेकेंडरी रॉक्स इन विच द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स बेड्स और स्ट्राटा डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं वो सेकेंडरी रॉक यानी द्वितीयक चट्टानें होती हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के लेयर्स उसके परत मौजूद होते हैं और बेड्स और स्ट्राटा जो है वो उसे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से क्या होता है, अलग बनाती हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स आर बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन। जो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर होते हैं वो मूल रूप से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन द इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के आधार पर इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स को इन तरीकों में क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर और दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं इसका खास बात ये होता है कि ये स्ट्रक्चर क्लास्टिक सेडिमेंट में बनते हैं, जैसे कि सैंडस्टोन में। ठीक है, और ये सेडिमेंट ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये डिपोजिशन के टाइम पे ही बनते हैं। ठीक है, ये डिपोजिशन के टाइम पे ये स्ट्रक्चर बनते हैं और इसलिए जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं ये पेलियोकरंट के बहुत ही अच्छे इंडिकेटर होते हैं। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं ये डिपोजिशन होने के बाद, ठीक है, डिपोजिशन हो गया उसके बाद किसी भी एक्टिविटी के द्वारा, जैसे कि ऑर्गेनिक, फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी हमें दो तरह के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, मेजर स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर। तो आज के वीडियो में हम मेजर स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होते क्या हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, द प्राइमरी स्ट्रक्चर आर ड्यू टू मैकेनिकल एक्शन ऑफ करेंट एंड सो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं यानी जो प्राथमिक संरचनाएँ होती हैं वो धारा की मैकेनिकल एक्शन यानी यांत्रिक क्रिया के कारण होती हैं और निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाती है। तो विशेषताएं क्या क्या हैं, पहला है दीज स्ट्रक्चर सो पेलियो करंट कंडीशन। ये जो स्ट्रक्चर हैं वो पेलियो करंट कंडीशन को बताती हैं, यानी कि बहुत पहले के समय में जो धाराएं थी उनका दिशा क्या था, ये इसको बताती हैं। फिर दूसरा है रेट ऑफ सप्लाई ऑफ सेडिमेंट्स, यानी कि सेडिमेंट्स की आपूर्ति की दर कैसी थी, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स की आपूर्ति हो रही थी या कम हो रही थी, उसे ये भी पता चलता है। फिर तीसरा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो परिवहन के साधन थे वो क्या थे, यानी कि वो पानी के द्वारा, हवा के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा, किसके द्वारा वो डिपॉजिट हुए हैं, उससे वो पता चलता है। फिर चौथा है एनवायरमेंट ऑफ डिपोजिशन एंड टॉप एंड बॉटम ऑफ बेड्स। फिर जो वहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, उसके बारे में पता चलता है, और किसी बेड के ऊपर और नीचे का बेड्स जो है उसका पता चलता है। ठीक है, तो टॉप एंड बॉटम ऑफ बेड्स इसका मतलब होता है कि किसी भी जो बेड है उसका टॉप और बॉटम कौन सा है, इसके इंडिकेटर होते हैं, और जिससे आपका टॉप और बॉटम के बेड्स के पता चलता है उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग जियोपेटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जियोपेटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, जिससे आपका टॉप और बॉटम के जो बेड्स हैं उसके इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके जैसे आ जाएंगे ग्रेडेड बेडिंग या क्रॉस बेडिंग, इससे आपका टॉप और बॉटम का पता चलता है, इसके बेड का इंडिकेटर होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से मेजर स्ट्रक्चर होते हैं।
द प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स इंक्लूड द फॉलोइंग, जो प्राथमिक सेडिमेंट्री जो संरचनाएं हैं उसमें निम्नलिखित शामिल हैं। पहला है बेडिंग प्लेन्स और स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इनटू लेयर्स और बेड्स इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफिकेशन। यानी कि जब सेडिमेंट्स जो होते हैं वो परत में या बेड्स में के रूप में जमा होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, फिर दूसरा है बेडिंग प्लेन्स। द प्लेन्स डिवाइडिंग डिफरेंट बेड्स आर कॉल्ड द बेडिंग प्लेन्स। तो जब जो प्लेन डिफरेंट बेड्स को एक दूसरे से अलग करता है उसे हम क्या कहते हैं? बेडिंग प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, तो बेडिंग प्लेन्स क्या होता है? कोई मान लीजिए कि कोई बेड है, ठीक है, कोई एक बेड है, उसका नेचर ये होता है कि वो होमोजीनियस स्ट्रक्चर का होता है और उसके जो कंपोजिशन और जो मिनरल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? बेड कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि बेडिंग प्लेन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक बेड है, ठीक है, तो ये एक बेड है, इसका जो अपर पोर्शन होगा ये वाला अपर सरफेस ये वाला और जो लोअर सरफेस है, ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं? बेडिंग प्लेन कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं? बेडिंग प्लेन। यानी किसी भी बेड के जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस उसको हम क्या कहते हैं? बेडिंग प्लेन कहते हैं। ठीक है, एंड द थिकनेस ऑफ अ बेड मे वेरी फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर टू मेनी मीटर्स। और जो बेड का थिकनेस है, मोटाई है, वो कुछ सेंटीमीटर से लेकर के कई मीटर तक हो सकते हैं। डिफरेंट बेड्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय, तो विभिन्न बेड जो होते हैं वो एक दूसरे से किस किस तरह से अलग होते हैं? पहला है डिफरेंस इन मिनरल कॉम्पोजिशन, यानी कि मिनरल कॉम्पोजिशन के कारण दोनों वे अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह के मिनरल कॉम्पोजिशन होते हैं दोनों में। ठीक है, फिर वेरिएशन इन ग्रेन साइज और टेक्सचर, यानी कि जो उनका ग्रेन साइज होता है उसमें वेरिएशन होता है, कुछ छोटा कुछ बड़ा होता है, और टेक्सचर भी उसी तरह उसमें वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर वेरिएशन इन थिकनेस, यानी कि इन दोनों की मोटाई क्या होती है? अलग अलग होती है। उसके बाद है डिफरेंस इन कलर और रंग में अंतर, इसकी वजह से जो बेड्स हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। अब हमारा जो दूसरा मेजर प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो है लेमिनेशन। लेमिनेशन, थिन बेडिंग लेस देन 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस आर कॉल्ड लेमिनेशन। तो पतला बेडिंग जिसका जो थिकनेस होता है वो 1 सेंटीमीटर से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? लेमिनेशन कहते हैं। यानी ये भी बेड है लेकिन ये बहुत पतले बेड हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेमिनेशन कहते हैं। लेमिनेशन इज़ यूजुअली फाउंड इन वेरी फाइन ग्रेन रॉक्स लाइक सेल। और जो लेमिनेशन है वो मुख्यतः बहुत ही महीन कण वाले रॉक में देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेल में, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट लेमिनेशन रिफर्स टू पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स विद इन अ बेड। तो जो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो लेमिनेशन है वो हमें क्या दिखाता है? जो मिनरल्स होते हैं किसी बेड के अंदर उनका पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है, उसे क्या बताता है? लेमिनेशन। वेयर इज स्ट्रेटिफिकेशन रिफर्स टू अ सक्सेशन ऑफ बेड्स सेपरेटेड बाय बेडिंग प्लेन्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेमिनेशंस। यानी कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो क्या होता है? वो रिफर करता है, दो सक्सेशन ऑफ बेड्स है उसको वो क्या बोलते हैं? एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेमिनेशंस, ठीक है, यानी कि ये जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो क्या होता है कि जो दो सक्सेशन ऑफ बेड्स को एक दूसरे से अलग करता है बेडिंग प्लेन्स के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। तो दो तरह के लेमिनेशन होते हैं, डिमिटिक लेमिनेशन वेयर द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू लेमिनी इज शार्प, जब दो लेमिनी के बीच का जो कॉन्टैक्ट होता है वो शार्प होता है तो उसे हम डिमिटिक लेमिनेशन कहते हैं। और सिमिटिक लेमिनेशन, हियर द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लेमिनी इज रफ, तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट होता है लेमिनी के बीच वो कैसा होता है? रफ होता है।
तो आपको लेमिनेशन और स्ट्रेटिफिकेशन समझ में आया? लेमिनेशन यानी बहुत पतले पतले इस तरह से अरेंज अगर रहेंगे किसी बेड्स के, जिनका थिकनेस जो है 1 सेंटीमीटर से कम है, तो उसे, और उसका पैरेलल अरेंजमेंट रहेगा मिनरल का, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेमिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक बेड का सक्सेशन है, इस तरह का बेड है, ठीक है, ठीक है, और दूसरा बेड जो है वो इस तरह का है, तो ये बेडिंग प्लेन जो दोनों को अलग कर रहा है दूसरे से, इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन के द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 बेड्स हैं, ए बी सी और डी, ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन बेड्स को हम लोग देख रहे हैं, यानी जो एक सक्सेशन है, देखिए अलग सक्सेशन ये है, ये अलग है क्योंकि राउंड राउंड है, ये सीधे सीधे हैं, ठीक है, और ये डॉट है, तो इस तरह से अलग सक्सेशन है, तो इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन बेड। ठीक है, आपको 1, 2, 3, 4 अलग अलग तरह के बेड देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग सक्सेशन के बेड, तो इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। और बेडिंग प्लेन यानी कि कोई भी बेड के जो ऊपर जो टॉप, मतलब कि अपर और लोअर जो लेयर रहते हैं, जो प्लेन रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, बेडिंग प्लेन कहते हैं। ठीक है, यानी इस बेड का देखिए अपर पोर्शन ये वाला, लोअर पोर्शन ये वाला है, ठीक है, फिर इसका ये अपर पोर्शन, इसका ये वाला और ये लोअर है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बेडिंग प्लेन। और लेमिनेशन मैंने क्या बताया था कि जो बेड्स की थिकनेस जो होती है 1 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे लेमिनेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप ये बी वाले सेक्शन देखिए, यहाँ पे बहुत पतले पतले हैं बेड्स जो 1 सेंटीमीटर से कम है, तो ये क्या कहलाएंगे, लेमिनेशन। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है वो है ग्रेडेड बेडिंग, थर्ड वाला। ठीक है, इन दिस केस देयर इज अ ग्रेडिएशन ऑफ ग्रेन साइज फ्रॉम कोर्सर एट द बॉटम टू फाइनर एट द टॉप। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रेन, यहाँ पे जो ग्रेडेड बेडिंग का मतलब होता है, ग्रेन साइज जो नीचे की ओर क्या होते हैं, कोर्सर यानी बड़े बड़े होते हैं, और ऊपर की ओर फाइन होते हैं। ठीक है, उस तरह के जो अरेंजमेंट होता है उसे ग्रेडेड बेडिंग कहते हैं। एंड द ग्रेडेड बेडिंग रिजल्ट्स फ्रॉम रैपिड सेडिमेंटेशन इन वाटर। और जो ग्रेडेड बेडिंग है वो, इसका रिजल्ट क्या हो, वो कैसे मतलब बनते हैं, वो किसके रिजल्ट से बनते हैं, जब पानी में क्या होता है, तेजी सेडिमेंटेशन होता है, तो उसकी वजह से ग्रेडेड बेडिंग फॉर्म करते हैं। द स्ट्रक्चर इज कॉमनली फाउंड इन ग्रेवेक्स। और ये जो ग्रेडेड बेडिंग स्ट्रक्चर है ये प्रायः ग्रेवेक्स में पाया जाता है। ग्रेवेक आपका सैंडस्टोन है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम लोग सेडिमेंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सैंडस्टोन का ही एक टाइप होता है ग्रेवेक। ठीक है, इसका फिगर इस तरह से रहता है, यहाँ पे 2 बेड्स हैं और इनका टॉप इधर और बॉटम यहाँ है। ठीक है, तो बॉटम में आपको कोर्स ग्रेन और टॉप में आपको फाइन ग्रेन देखने मिल रहा है। इसी तरह दूसरा बेड में भी यहाँ पे बॉटम में कोर्स और टॉप में फाइन ग्रेन देखने को मिल रहा है। जो फाइन ग्रेन होता है वो सेल का बना हुआ होगा, ठीक है, और ये जो कोर्स ग्रेन है वो आपका रिट का बना हुआ होता है ग्रेडेड बेडिंग में। ठीक है, फिर हमारा 4th प्राइमरी स्ट्रक्चर है करेंट बेडिंग। करेंट बेडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रॉस बेडिंग। करेंट बेडिंग को क्रॉस बेडिंग भी कहा जाता है। इन दिस स्ट्रक्चर माइनर बेड्स और लेमिनेशन लाई एट एन एंगल टू द प्लेन्स ऑफ जनरल स्ट्रेटिफिकेशन। तो इस स्ट्रक्चर में जो माइनर बेड्स होते हैं या तो फिर जो लेमिनेशन होते हैं वो जनरल स्ट्रेटिफिकेशन के प्लेन पे एक एंगल बनाते हैं, उसके एक समकोण पे स्थित होते हैं। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में जो छोटे बेड्स या लेमिनेशन होते हैं वो जनरल स्ट्रेटिफिकेशन के कोण पे स्थित होते हैं। ठीक है, एंड दिस माइनर बेड्स कॉमनली टर्मिनेट अब्रप्टली एट द टॉप वेयर दे आर ओवरलेन बाय द नेक्स्ट करंट बेडेड डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे जो माइनर बेड्स होते हैं वो अचानक से क्या होता है, उनका टॉप जो है अचानक से समाप्त हो जाते हैं जहाँ से, जहाँ पे वे नेक्स्ट जो करंट बेडेड डिपॉजिट से ढके हुए होते हैं। ठीक है,
करंट बेडिंग इज कॉमनली फाउंड इन सैलो वाटर एंड विंड फॉर्म डिपॉजिट्स। जो करंट बेडिंग है वो आमतौर पे सैलो वाटर यानी छिछले पानी और विंड फॉर्म डिपॉजिट्स में पाया जाता है। ठीक है, इसका फिगर देख लीजिए। तो इस तरह से इसका फिगर बनता है, इस तरह से करंट बेडिंग या क्रॉस बेडिंग, इसलिए क्रॉस बेडिंग भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह के बेड हैं, यहाँ से एक ऊपर माइनर बेडिंग है, इसके नीचे मेजर बेडिंग प्लेन से। ठीक है, तो जैसे अभी मैं पढ़ा था कि माइनर बेडिंग के जो टॉप होते हैं वो अचानक से क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, और जो नेक्स्ट करंट बेडिंग होता है उसे वो क्या होते हैं, ढक जाते हैं। इसके ऊपर और बेडिंग में आएगा उसे वो ढक जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बने होते हैं, इसे हम करंट बेडिंग या क्रॉस बेडिंग कहते हैं। देखिए, ये जो करंट बेडिंग या क्रॉस बेडिंग है उसमें क्या होता है, इंक्लाइंड आपके जो बेड्स बनते हैं ना, इंक्लाइंड बेड्स बनते हैं। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं इंक्लाइंड बेड्स हैं। ठीक है, और इंक्लाइंड बेड्स होते हैं, और ये किस डायरेक्शन में होते हैं, ये हवा और पानी के डायरेक्शन की ओर ही क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, उससे मतलब ये एक अच्छा पेलियो करंट डायरेक्शन अगर आपसे पता चलेगा, जैसे मैंने बताया था कि अच्छे पेलियो करंट इंडिकेटर्स होते हैं, इससे पता चलता है कि उस समय जो करंट का फ्लो था वो किस दिशा में था, यानी कि हवा या पानी जिससे भी ये फॉर्म किए हैं तो उसका दिशा उस समय क्या था, ये हमें पता चलता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पानी का जो करंट का जो वेलोसिटी है या उसका फ्लो का डायरेक्शन है, तो उस साइड पे तेज़ी से जो सेडिमेंट्स को ले जाने के कारण जो भी उसका मतलब उसको वो इंडिकेट करते हैं कि साइड में मतलब की जो वेलोसिटी जो पानी का जो करंट का वेलोसिटी था या उसका जो फ्लो का डायरेक्शन था वो किस दिशा में था जब वो सेडिमेंट्स को कैरी करके ले जा रहे थे उस समय। ठीक है, उससे ये पता चलता है। फिर हमारा फिफ्थ है रिपल मार्क्स। रिपल मार्क्स आर दी वेवी अंडुलेशन सीन ऑन द सर्फेस ऑफ बेडिंग प्लेन्स। बेडिंग प्लेन्स की सतह पर दिखाई देने वाली लहर को ही क्या कहते हैं, रिपल मार्क्स कहते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाई द वेव्स एंड करेंट्स इन सेलो वाटर। और ये उथले पानी में लहरों और धाराओं के द्वारा बनते हैं। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर्स में ऑल्सो बी फॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ डिपोजिट्स फॉर्म्ड बाय विंड। और ये स्ट्रक्चर जो है हवा के द्वारा डिपोजिट सर्फेस की सतह पर भी बनते हैं। रिपल मार्क्स आर ऑफ टू टाइप्स। रिपल मार्क्स दो तरह के होते हैं, एसिमेट्रिकल और करंट रिपल मार्क्स, एंड सिमेट्रिकल और ऑसिलेशन रिपल मार्क्स, या इसको वेव रिपल मार्क्स भी बोलते हैं। द ऑसिलेशन रिपल मार्क्स आर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग टॉप एंड बॉटम ऑफ डिफॉर्म बेड्स। जो ऑसिलेशन रिपल मार्क है या सिमेट्रिकल रिपल मार्क है, ये बहुत ही यूजफुल होता है जब आप किसी डिफॉर्म बेड्स का टॉप या बॉटम को डिटरमाइन करते हैं। तब इसका फिगर देख लीजिए। तो एसिमेट्रिकल या करंट रिपल मार्क्स कुछ इस तरह के होते हैं, देखिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्रेस्ट या ट्रफ किसे कहते हैं। क्रेस्ट यानी जो ऊपर उठा हुआ भाग, ये वाला भाग, उसे क्या कहते हैं, क्रेस्ट। और नीचे का जो इस तरह से रहता है इसे क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। ठीक है, ऊपर उठा हुआ भाग को क्रेस्ट और नीचे को ट्रफ कहते हैं, और ये तो आप सब जानते ही होंगे। एसिमेट्रिकल और करंट रिपल मार्क्स, दीज आर एसिमेट्रिक इन नेचर, हैविंग पैरेलल लॉन्ग मोर और लेस इक्विडिस्टेंट रिजेस ट्रेंडिंग इन स्ट्रेट लाइंस एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो होते हैं ये एसिमेट्रिक नेचर के होते हैं। एसिमेट्रिक मतलब जो इसके लिंब है वो क्या होता है, अनइक्वल होता है। ठीक है, और जिसमें समांतर लंबी अधिक या कम समान दूरी वाले लकीरें होते हैं जो धारा की दिशा में समकोण रेखा पर सीधी रेखाओं में चलती है। ठीक है, हियर बोथ द क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स आर राउंडेड। और यहाँ पे जो क्रेस्ट और ट्रफ्स जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं। एक्वियस रिपल्स कंटेन फाइनर मटेरियल्स एट द क्रेस्ट एंड कोर्सर मटेरियल एट द ट्रफ्स। बट इन द केस ऑफ एओलियन रिपल्स कोर्सर मटेरियल्स आर फाउंड एट क्रेस्ट। एओलियन रिपल्स आर इनवेरिएबली एसिमेट्रिक इन नेचर।
जो एक्वियस रिपल होते हैं यानी पानी से बने हुए जो रिपल होते हैं, उसके क्रेस्ट भी क्या होते हैं, वो क्रेस्ट क्या चीज़ से बने होते हैं, फाइनर मटेरियल से, छोटे छोटे महीन कणों से बने हुए होते हैं, जबकि जो उसका ट्रफ होता है, नीचे का भाग होता है, वो कोर्सर मटेरियल से बना होता है। लेकिन जो एवलियन रिपल है यानी हवा के द्वारा जो रिपल्स बनते हैं, उसके क्रेस्ट क्या होते हैं, वो कोर्सर मटेरियल के यानी बड़े बड़े कणों के बने हुए होते हैं। और जो एवलियन रिपल हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एसिमेट्रिक उनका नेचर होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो एसिमेट्रिकल रिपल होते हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं, मतलब अनइक्वल होते हैं ना, ये दोनों सब अनइक्वल रहता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा दूरी पे या कुछ कम दूरी पे, इस तरह जो धारा की दिशा इस साइड है, वही धारा की दिशा में ही समकोण की तरह समकोण बनाते हुए इस तरह से सीधी रेखाओं पे चलते हैं। ठीक है, और जो यहाँ के क्रेस्ट होते हैं, जो उठा हुआ भाग है और नीचे वाला भाग, ये दोनों क्या होता है, राउंडेड होता है, गोल की तरह होता है। ठीक है, राउंडेड होता है, शार्प नहीं होता है। ठीक है, जो एसिमेट्रिकल करंट रिपल मार्क्स होते हैं, ये पेलियो करंट के गुड इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि उस समय जो करंट का डायरेक्शन था वो किस साइड था। ठीक है, क्योंकि उसी दिशा में ये फॉर्म करते हैं। लेकिन इसमें ये है कि इसमें आप ये टॉप टू बॉटम इंडिकेटर नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे कि देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। अगर आप इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको टर्न भी कर दे रहे हैं, तो भी इसका मतलब कि आप पता नहीं कर पाएंगे। जैसे ये है, अगर आप उसको उल्टा भी कर रहे हैं तो आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर शो होगा, तो आपको नहीं पता चलेगा कौन सा आपका टॉप है और कौन सा बॉटम है, ये आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो एसिमेट्रिकल में। ठीक है, और एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जब आप इसको, जैसे ये है, अब जब आप इसको बीच से मान लीजिए डिवाइड कर रहे हो, तो ये दोनों अनइक्वल होते हैं, दोनों पार्ट जो होते हैं अनइक्वल होते हैं, उसे हमें क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल। ठीक है, और एक बात जान लीजिए कि मान लीजिए कि इस तरह के, ठीक है, आपके रिपल्स बने हैं, ठीक है, इस तरह के ये वाले एसिमेट्रिकल रिपल, तो ये जो जेंटल वाला जो रीजन है, ये जो एरिया है, इस सरफेस को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टोस। ठीक है, और ये जो स्टीप साइड है, इस साइड इस तरह का रहेगा, सॉरी इस तरह का स्टीप साइड रहेगा, इसे हम क्या कहते हैं, ली। ठीक है, जेंटल है उसको क्या कहेंगे, स्टोस, और जो स्टीप है उसको क्या कहेंगे, ली। ठीक है, स्टीप साइड कहते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा लास्ट है वो है सिमेट्रिकल और वेव और ऑसिलेशन रिपल मार्क्स। दीज आर सिमेट्रिकल विद शार्प क्रेस्ट्स एंड बोर्ड राउंडेड ट्रफ्स एंड दीज आर शैलो वाटर फीचर्स एंड आर इंडिकेटिव ऑफ अ स्टैग्नेंट बॉडी ऑफ वाटर फ्रीक्वेंटली एगिटेटेड बाय वेव्स। ये जो होते हैं ये सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनका जो लिंब होता है वो इक्वल होता है, लेकिन इनका क्रेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, शार्प होता है, और उनके ट्रफ चौड़े और गोल होते हैं। और ये जो फीचर है ये शैलो वाटर फीचर्स है, यानी उतले पानी के फीचर्स हैं, जो किसकी ओर संकेत करते हैं, पानी की स्थिरता की ओर संकेत करते हैं, जो अक्सर क्या होते हैं, लहरों के द्वारा एगिटेट होते हैं यानी विचलित होते हैं। ठीक है, लहरों के मतलब कि शांत पानी में बनते हैं, लेकिन सिलोबेट वाटर में, लेकिन लहरों की वजह से वो विचलित होकर के इस तरह का रिपल जो है फॉर्म करते हैं। इसका फिगर देख लीजिए, तो इसका फिगर कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे देखिए, जो क्रेस्ट है वो बहुत ही शार्प होंगे, और इसका जो ट्रफ होता है ये बहुत चौड़ा और राउंडेड गोल की तरह होता है। ठीक है, और सिमेट्रिकल ये तो पेलियोकरण के गुड इंडिकेटर्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्शन वेव का वो दोनों साइड होता है। ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी, इसकी वजह से मतलब कि ऐसे जाएगा, इस तरह से और इस तरह से, तो दोनों साइड हो रहा है, तो उसका डायरेक्शन आप नहीं बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में इसका फ्लो था, लेकिन ये टॉप टू बॉटम के गुड इंडिकेटर्स होते हैं, क्योंकि ये इसका अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, आपको पता है। तो जब आप इसको
रिवर्स कर दोगे, ओवरटर्न कर दोगे, तो क्या होगा कि जो लोअर पार्ट है वो कैसा दिखाई देगा, जो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है तो आप ये तो जान पाओगे कि इस तरह के रिपल्स नहीं होते हैं, यानी कि ये जो ओवरटर्न रिपल्स हैं, तो आप जान सकोगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो है ये आपका बॉटम साइड है ना, और ये जो है वो आपका अपर साइड है, ठीक है। और इसमें और एक बात ये है कि अगर मान लीजिए इस तरह कोई रिपल है, ठीक है, तो मैंने तब यहाँ पे आपको बताया कि इसके जो क्रेस्ट होते हैं वो शार्प होते हैं। तो क्रेस्ट शार्प कब होते हैं, जैसे मान लीजिए कि शार्प है क्रेस्ट, तो ये शार्प तब होंगे जब जो वेव का एनर्जी है वो क्या होगा, लो होगा, लो एनर्जी वेव, ठीक है। जब लो एनर्जी वेव होगा तो ये जो क्रेस्ट होगा वो क्या होगा, शार्प होगा, ठीक है। और अगर हाई एनर्जी वेव हुआ तब क्या होगा, अगर हाई एनर्जी वेव होगा तो ये जो आप क्रेस्ट है वो राउंडेड होते हैं, ये क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं जब हाई एनर्जी वेव होता है तब, ठीक है। ठीक है, रिपल में और एक आप जान लीजिए कि इसमें एक रिपल इंडेक्स होता है, ठीक है। रिपल इंडेक्स ये क्या है, इसका रेशियो ऑफ रिपल लेंथ बाय रेशियो ऑफ रिपल हाइट, ठीक है। तो जो रिपल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और इसका जो लेंथ होता है वो आपका 5 से 20 सेंटीमीटर तक होता है। उसी तरह लेंथ जो होता है वो आपका 0.5 से 3 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। तो अगर आपका रिपल इंडेक्स में अगर 8 आ रहा है, ठीक है, तो वो आपको क्या दिखा रहा है, कोर्स सैंड के बारे बता रहा है, ठीक है, कोर्स सैंड। और 20 अगर आया तो वो आपको क्या बताएगा, फाइन सैंड, इसके बारे बताता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो आज के वीडियो में हमने मेजर प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम माइनरी प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।